गुड इवनिंग एवरीवन, ये है रिविट आर्किटेक्चर की ट्यूटोरियल की वीडियो सीरीज और ये वीडियो सीरीज की फर्स्ट वीडियो। तो रिविट आर्किटेक्चर एक आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर है और एक पैकेज है जिसमें हम एक 3D बिल्डिंग या कोई भी 3D स्ट्रक्चर मॉडलिंग भी कर सकते हैं, प्लस हम उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, प्लस हम उसमें MEP वर्क भी कर सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रिकल वर्क एंड प्लम्बिंग वर्क, और हम उसमें 2D ड्राइंग भी बना सकते हैं और ड्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा रिविट है, आर्किटेक्चर मैंने ऑन कर लिया है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे ओपन फोल्डर, एक फोल्डर बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और हम इम्पोर्ट करेंगे या एक ओपन करेंगे टेम्पलेट। टेम्पलेट होती क्या है? टेम्पलेट लेआउट होता है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, या जैसे कि आप ने एक लेआउट सेट किया हुआ है और उसमें आप एक मीटर या कोई मैट्रिक यूनिट्स यूज़ कर रहे हो, तो एक मैट्रिक यूनिट का लेआउट हो गया, एक फीट यूनिट का लेआउट हो गया, या एक प्लम्बरिंग प्रोजेक्ट का लेआउट हो गया। तो आपने एक प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग लेआउट बनाया हुआ है। तो ये कुछ लेआउट्स हमारे पहले से रिविट आर्किटेक्चर में होते हैं। आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपका वो फोल्डर खुल जाएगा यहाँ पे टेम्पलेट का, बट मेरे में ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि देखिए जो मेरा रिविट आर्किटेक्चर का सेटअप था उसमें जो मेरी लाइब्रेरी फाइल्स थी, जो एक्स्ट्रा फाइल्स थी, वो नहीं थी। तो मैंने अलग से वो डाउनलोड करके अलग फोल्डर में सेव की हुई हैं। हो सकता है कि आपके रिविट में पहले से इनबिल्ड हो, तो ओपन करते ही आपका ऑटोमेटिक टेम्पलेट का फोल्डर खुल जाए। तो मैं पहले उस फोल्डर को देखता हूँ, मैंने सी ड्राइव में सेव किया हुआ है ये रिविट 2016, ये फोल्डर। हो सकता है ये फोल्डर आपके सेटअप में पहले से ही हो। तो ये रहा टेम्पलेट, टेम्पलेट में क्या पूछ रहा है, इंपेरियल या मैट्रिक, किस यूनिट का टेम्पलेट आप इम्पोर्ट करना चाहते हो, तो मैट्रिक। और ये देखिए प्लम्बरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, किस प्रोजेक्ट के लिए टेम्पलेट करना चाहते हो। डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट ले लेते हैं मैट्रिक वाला और ओपन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए ओपन हो गया। अब देखिए सबसे ऊपर जो है आपके टूल्स हैं, उसके लेफ्ट साइड में देखिए तो इम्पोर्टेंट चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आती है हमारे, एक तो ये प्रॉपर्टी बॉक्स और एक आपका प्रोजेक्ट ब्राउज़र, ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा काम आती है आपको। और ये जो आपको वाइट स्क्रीन दिखाई दे रही है, ये आपकी है वर्किंग विंडो, जो भी आप मॉडल बनाएंगे यहाँ पे बनाएंगे। और आपको यहाँ पे 4 नॉर्थ्स और दिखाई दे रहे होंगे, ये डायरेक्शंस हैं, ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, और ये व्यू पैनल है। तो स्टार्ट करते हैं हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे, यूनिट सेट करेंगे। जैसे कि हमने देखा अभी हमने जो लेआउट इंपोर्ट किया है, टेम्पलेट इंपोर्ट किया, वो मैट्रिक किया है, यानी कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट यूनिट है वो क्या है, मैट्रिक। बट आप मैट्रिक में भी आपको कोई और यूनिट की ज़रूरत पड़ गई, मान लीजिए आप मैट्रिक में फीट नहीं होता लेकिन आपको फीट की ज़रूरत पड़ गई, तो आप कैसे चेंज करेंगे? तो उसके लिए बहुत ईजी है, आप यू प्रेस करें और एंटर मारें, यू प्रेस एंड एंटर, तो यूनिट पैनल खुल जाएगा और आप यहाँ पे लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, किसी भी चीज़ की यूनिट चेंज करके ओके कर दीजिए। अभी देखिए मेरी लेंथ MM में सेट है, ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले टेम्पलेट चूज़ करना, उसके बाद आपको यूनिट सेट करना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, लेवल सेट करना। लेवल मीन्स फ्लोर्स, अगर आप कोई बिल्डिंग मॉडल कर रहे हैं तो आपको पहले ही सेट करना होगा कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, या स्ट्रक्चर जो है कितनी हाइट का है। फ्लोर का लेवल्स का मतलब समझ सकते हैं कि आपको किस किस लेवल पे किस किस हाइट पे काम करना है, करना पड़ेगा, तो उतने लेवल्स हम सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे प्रोजेक्ट ब्राउज़र में, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में सबसे पहले दिया फ्लोर प्लान्स, यानी कि प्लान व्यू हर लेवल्स का, सीलिंग का प्लान व्यू, उसके नीचे है एलिवेशन। अब एक कोई बिल्डिंग आपके 3D में खड़ी हुई है तो उसको एलिवेशन चार साइड से देख सकते हैं आप बिल्डिंग को, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, तो चार साइड का आपको एलिवेशन दिया हुआ है, तो किसी पे भी आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। मैं नॉर्थ पे डबल क्लिक करता हूँ तो ये आ गया हमारा एलिवेशन। देखिए जो डैश डैश वाली लाइन है, ये फर्स्ट लाइन जो है फर्स्ट लेवल है, ग्राउंड लेवल 0 पे,
सेकेंड आपका 4 मीटर पे डिफ़ॉल्ट है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप कैसे बनाएंगे नंबर ऑफ लेवल, देखिए जो आपकी लाइन है फर्स्ट, इसमें लास्ट में एक सर्कल है ब्लू कलर का, और वहीं पर आपका लिखा हुआ 0 और लेवल 1। 0 यानी कि हाइट, ये 0 डेटम लेवल है और ये 4 मीटर पे, क्योंकि हमारी यूनिट है mm लेवल 2। अब हमें नेक्स्ट लेवल कैसे बनाना है, फर्स्ट हम जो एक लेवल बना हुआ है ये लेवल 1 और 2, इसकी जो हाइट है वो चेंज कर दें। तो 4000 पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया 5000 और एंटर प्रेस कर दिया। देखिए 5000 चेंज हो गई। अब जब मैं इस लाइन पे क्लिक करता हूँ तो एक और चीज़ आती है, यहाँ पे एक टिक लगा हुआ है। देखिए अगर मैं इस टिक पे से हटाता हूँ तो एक सर्कल ही चला जाता है, और इधर दूसरी साइड भी एक टिक है, अगर इस पर लगाता हूँ तो इधर भी एक सर्कल आ जाता है। ये सर्कल कुछ नहीं है, लेवल की आपकी आईडी है। कभी कभी क्या होता है, हम लेवल का जो गैप होता है बहुत कम होता है, जिससे सर्कल ओवरलैप हो जाता है, तो हम इसको यहाँ से हटा के दूसरी साइड भी लगा सकते हैं टिक करके। ओके ठीक है, अब हम आगे लेवल बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक लेवल का टूल है, इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए मॉडिफाई, किसी भी टूल पे आप क्लिक करते हो तो ये मीनू आ जाता है मॉडिफाई प्लेस लेवल। प्लेस लेवल लेवल का है, मॉडिफाई जरूर आएगा किसी भी लेवल पे आप क्लिक करते हो। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक लाइन वाला है और एक है आपका ग्रीन लाइन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ग्रीन लाइन फर्स्ट लाइन को यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट लाइन पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे कर्सर ले गया तो लेवल को दिखा रहे किस लेवल पे आपको बनाना है। या तो मैं टाइप कर सकता हूँ या फिर मैं ऐसे माउस को ड्रैग करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे 35 पे बनाना है तो माउस ड्रैग करने में थोड़ा मुश्किल होता है 3500 सेलेक्ट करना, तो इससे अच्छा मैं टाइप कर देता हूँ। अभी देखिए मैंने कहीं क्लिक नहीं किया है, केवल माउस को मैं मूव करा रहा हूँ, ये इमेजिनरी डायमेंशन दिखा रहा है। तो सीधा मैं टाइप कर देता हूँ 3500। अब यहाँ पे मेरा माउस फिक्स हो गया। अब मैं माउस को ड्रैग करूँगा दूसरी साइड तो ये हमारा लेवल बन जाएगा। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं सर्कल के पास ले आता हूँ तो एक मेजरिंग लाइन दिखाती है हमारी अलाइनमेंट इसका, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और स्कैप बटन दबाता हूँ, तो देखिए हमारा लेवल बन चुका है लेवल 3। और 3500 mm पे हमने किया था, तो 5000 + 35 = 85। अब ये जो हमारी लेवल लाइन जो हमने बनाई है, ये लाइन आधी है, लंबी नहीं है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वर्क आपका वैसे ही करेगा जैसे नीचे वाला लेवल कर रहा है। बट फिर भी अगर आप इसको इसके इन लेंथ जो नीचे वाले लेवल की लेंथ के बराबर करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो, जो वाइट सर्कल है इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करो, और यहाँ पे अलाइनमेंट दिखाएगा एक इमेजिन लाइन, यहाँ पे क्लिक करके छोड़ दो और स्कैप डाउन ये। ओके अब ये जो लाइन लेवल बनाने का तरीका है थोड़ा लंबा है, तो हम शॉर्ट तरीका देखते हैं। दोबारा लेवल पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, और इसी के बगल में है एक ग्रीन लाइन। तो इस ग्रीन लाइन से हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑफसेट का इनपुट करने का, यहाँ पे हमने डाल दिया 4000 यानी कि 4 मीटर। अब देखिए, अब मैं जैसे इस लाइन पे क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर 4000 पे एक लेवल लाइन मिल जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फिर मिल जाएगी, फिर क्लिक करूँगा फिर मिल जाएगी। देखिए स्क्रॉल को घुमाओगा तो जूम आउट जूम इन होगा। अब देखिए मेरी स्ट्रक्चर ऊपर गया हुआ है, मुझे नीचे लाना है तो स्क्रॉल को प्रेस करना है ना कि रोटेट करना है। स्क्रॉल को मैंने प्रेस किया तो ये मूव का आ गया और नीचे मैंने इसको रख दिया इसके अदवाया। तो इस तरह से आप कितने भी लेवल बना सकते हैं। कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले मैं डिसाइड करना होता है यूनिट, सबसे पहले टेम्पलेट, फिर यूनिट, फिर लेवल। और फिर आप दोबारा यहाँ से प्लान पर जा सकते हैं। अब इन लेवल का फ़ायदा क्या हुआ, इनको कैसे यूज़ करते हैं, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जो भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।